मांडू की एक गर्मी भरी दोपहर, सूखी धूल के उड़े बगुले, धरती में पड़ गई दरारे, नीम के फूल कौन बुहारे, जहां देखो वहां जर्द सन्नाटा, जहां देखो उजाड़ रूखापन, कहीं हरियाली का नामो निशान नहीं, पीली घास, पीले पत्ते, सूखे पहाड़, सूखे डबरे, और हवा तो जैसे छुप कर बैठी है। गर्मी अब तुम जाओ, सूरज को सुस्ता लेने दो, थोड़ी राहत दो, आखिर तुम्हें क्या मिल गया सबको झुलसा कर। खोल दो अपना पाश, उड़ जाने दो इन्हें आकाश, होने दो सबको अब बादलों के अंग संग, बाधा ना बनो अब तुम, पत्थरों को मल्हार गाने दो। ये शहर मौसम के साथ साथ अपनी पोशाक बदलता है। जेठ में रंग उड़ी पगड़ी बांध लेगा तो सावन में चटकीली हरी, बरसात की नशीली फुहार ने जैसे हरे रंग की पूरी बाल्टी ही गिरा दी है। सब कुछ कंच हरा, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, पत्थर से लेकर पानी तक। कौंधती बरसात में पानीदार हो गए मांडू ने, सारी दुनिया देख रखी है, उसके लिए कुछ भी नया नहीं है। ये पत्थरों से सजा शहर है, तरह तरह की इमारतें, सबका अपना अलग इतिहास, सबकी अपनी एक कहानी। किसी के साथ किसी की दास्तान जुड़ी तो किसी को खुद ही अपने बारे में नहीं मालूम। जब जो इतिहासकार ने जो कह दिया वही मान लिया गया। किंवदंती और मिथकों से भरी कहानियां, खिंची हुई तलवारें और प्रेम में डूबे अफसाने, और इन सब के बीच जमाने की रफ्तार से अनजाना मांडू अपनी अद्भुत स्थापत्य विरासत के साथ सोता जागता, हंसता और गाता। कभी सिमट गया, कभी पसर गया, कभी राग रागिनियों में डूबा तो कभी संगीनों के साये में सोया। समुद्र तल से 2079 फीट की ऊंचाई पर बसे मांडू की जिंदगी की किताब को दिलावर खान गौरी से लेकर बाज बहादुर तक सब ने पलटा और सब ने छोड़े इसके जहन में अपने निशान। विंध्याचल पर्वतों से निकली एक श्रृंखला के शीर्ष पर बसा काकरा खो खाई के संग पला बड़ा मांडू, जो धार से 34 किलोमीटर दूर है। इसका अंग्रेजी क्षेत्रफल 12,000 एकड़ है। बोलते पत्थरों की टूट कर बरसी खूबसूरती और समशीतोष्ण जलवायु, पानी के बड़े भारी सरंजाम, 780 ताल तलैये, 260 सार्वजनिक स्नान ग्रह, 200 कुएं, 470 मस्जिदें, 12,000 एकड़ फैली सपाट जमीन, 100 बाजार मार्ग और 334 राजप्रसाद। इतना कुछ काफी था हिजरी 873 यानी कि ईसवी सन 1469 में अपने पिता महमूद खिलजी की मृत्यु के बाद उसके गद्दी नशी हुए बेटे घ्यासुद्दीन खिलजी से
अपना नाम शादियाबाद रखवाने के लिए। मांडू यानी कि शादियाबाद यानी कि सिटी ऑफ जॉय, जिसका बखान करने के लिए बादशाह जहांगीर के पास लफ्ज खत्म हो गए थे। जहां मांडू ने अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गए परमार वंश के राजा भोज को अपनी आंखों से देखा, तो बाज बहादुर को पास से जानने का गवाह रहा है। कभी किसी ने कुछ बसा दिया तो किसी ने आकर उजाड़ दिया। ये उल्टी रखी देव प्रतिमाएं किसी तत्कालीन शासक का आत्मलाभ बुदबुदा रही है, तो सुख की ही तलाश का नतीजा है ये धूसर बादलों से गुफ्तगू करती पेड़ों से लटकती इमलियां। ये दिलचस्प इमली यहां खुरासानी इमली कही जाती है। सुनते हैं इसकी प्रजाति 1436 के आसपास अफ्रीका से मंगवाकर महमूद खिलजी ने आरोपित की थी। बाद में इसके बीज को यहाँ की जलवायु इतनी भाई कि आज सारा मांडू ही खुरासानी इमली से सजा पड़ा है। जगह जगह खिरनी के वंदनवार, सीता फलों की कनातें और अपने अधूरे होने का शोक गीत गाते ये अवशेष। जहाज महल जकड़ रखा है किसने मुझे यूं जंजीरों से, अपने खुले कदमों से मैं भी जमीन को नापना चाहता हूं। स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना, सादगी भरी बनावट लेकिन अंदरूनी बात कहने में माहिर, ये जहाज महल है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, अगर थोड़ी दूर से देखें तो ये बंदरगाह पर मुस्तैदी से लंगर डाले खड़ा एक विशाल जलपोत मालूम होता है। इसके निर्माण की कोई तयशुदा तारीख इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं के जहन में नहीं है, फिर भी ग्यासुद्दीन ने अपने हरम की 1500 प्रमुख हूरों की रिहाइश के वास्ते इसका निर्माण कराया था, ये तय है। जहाज महल के दोनों तरफ क्रमशः कपूर और मुंज तालाब हैं, जो हौले हौले बहते समंदर का आभास देते हैं। पीछे की ओर बनाया गया मुंज तालाब का नाम परमार राजा मुंज देव के ऊपर किया गया है, जिन्होंने 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धार पर राज्य किया था। जहाज का दरअसल लुक देने की गरज से जहां इसकी लंबाई 129.9 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 15.2 मीटर से ज्यादा नहीं है। इस कौतूहलपूर्ण इमारत में सामने से ही ऊपर जाने के लिए काले रंग की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो ऊपर से देखने पर धूसर गुलाबी लगती हैं। जहाज की ये छत, यहां अलग अलग प्रकार के पेवेलियन बने हुए हैं। जहाज महल का वास्तु मांडव के अन्य वास्तुशिल्पों से अपना अलग टेक्सचर रखता है। जहाज महल की छत से कपूर तालाब को देखना अपने आप में एक खूबसूरत अनुभव से गुजरना है। नीम रोशनी में लावे सा झिलमिलाता पानी अपने दरअसल सौंदर्य से कई गुना ज्यादा दिखाई पड़ता है, आंखें भी ठहर जाती हैं और मन भी। जहाज महल के झरोके मेहराबदार हैं, जहां हरम की कुछ बेचैन मन बेगमें खड़ी होकर अपनी उलझी सुलझी लटों के बीच बाहरी दुनिया की एक झलक देखती होगी जो शायद उनके लिए वर्जित होगी। दुनिया की निगाहों से हरम को हमेशा दूर रखा जाता रहा है, अपनी शान बान और आन की खातिर। जहाज महल एक ख्वाबगाह था, हंसी ठिठोली
और श्रृंगार प्रसाधन की सुविधाओं से भरपूर। यहां अटखेलियों और सुरा सुंदरी की चाकबंद तैयारी थी। यहां जल क्रीड़ा का पूरा इंतजाम था, न केवल बादशाह के लिए वरन शहजादियों, हूरों और नवाबजादों के वास्ते भी अलग अलग किस्म के हमाम थे। ऊपरी शाही हमाम बादशाह के लिए था, जिसमें बगल के सटे टैंक से पानी पहुंचाया जाता था, और नीचे का हमाम महल में रहने वाली हूरों के लिए है। ये खूबसूरत भूल भुलैया सी बनी बेल, ये शिल्पकार ने अपने छैनी हथौड़े से कुछ आधा अधूरा बनाकर नहीं छोड़ा है। ये तो उस जमाने का वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम है, गंदे और साफ पानी को मिलने नहीं देता था। जहाज महल में एक एक आयताकार पवेलियन दोनों कोनों पर स्थित हैं। इसमें तीन तीन मेहराबदार खुले हिस्से हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण दिशा में खुलते हैं। जहांगीर की आत्मकथा, वाकयात जहांगीरी, तिथि हिजरी सन 1026 की घटनाओं में उल्लेख है कि जहाज महल की निचली बारादरी जहां जलसों की रात तमाम तरह की रोशनी का उजास फैलता था, तो आसपास बहते पानी में इन झांकती रोशनियों का प्रतिबिंब देखकर उसे यूं लगता था मानो पानी में आग लग गई हो। जहांगीर तो मांडू के अप्रतिम सौंदर्य पर इतना मोहित था कि उसे लगता था उसके शब्द खत्म हो गए हैं। वो इस प्राकृतिक अंतहीन खूबसूरती के बारे में कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। मांडू के अन्य स्थापत्यों की तरह ही जहाज महल ने भी कई नवाब देखे और कितनी ही हूर परियां। वो उनके गजब हुस्न के आगे परास्त हो जाता रहा होगा, और वे हसीनाएं जहाज महल की खामोश अचल खड़ी खूबसूरती के आगे। हिंडोला महल। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, हिंडोला महल यानी कि झूला, क्योंकि इसकी दीवारें झूलती हुई सी प्रतीत होती हैं। बादशाह घियासुद्दीन के शासन के लगभग अंत में यानी कि 15वीं शताब्दी में निर्मित हुआ ये दिलचस्प भवन अपना एक नाम और जानता है, हवा महल। इसमें मुगल कालीन पर्देदारी में डूबी बारादरी भी है, और राजपुताना लिहाज में मुस्कुराते गवाक्ष भी। ये संक्षिप्त कीमियागिरी और अलमस्त आर पार झरोखे 450 साल से बिना हिले डुले इसने हजारों साल का सफर कर लिया है। इसमें एक बड़ा आर पार हॉल है, जो अंदर से 88 फीट 5 इंच लंबा तथा 24 फीट 8 इंच चौड़ा है। शायद हिंडोला महल सुल्तान द्वारा सभागार एवं अन्य मुलाकातियों से मिलने के काम आता होगा। इसमें बाहर निकले हुए हिस्से में एक ऊपरी मंजिल है, जो शाही हरम की महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाती रही होगी, यूं मालूम देता है। यहां एक वक्त सब कुछ होता था, सारी इंसानी हरकतें। इस बात का पता यहां ऊंघती खामोशी देती है।
दिलावर खान, होशांग शाह, मोहम्मद चाद, महमूद खिलजी, घियासुद्दीन, नासिरुद्दीन, महमूद द्वितीय, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और हुमायूं, कादिर शाह और शेर शाह, जाने कितने नवाब बादशाह, कुछ साथ चले तो कुछ यूं ही तन्हा छोड़ गए। शिकास शाह की ऊंची मंजिल पर उल्लू ने अपना घोंसला बना लिया है, वो रह रह कर चीख उठता है, अब कहाँ है वो राजे महाराजे, वो बादशाहत, उनकी वो शानो शौकत और राजपाट। यहाँ अलग अलग दो रास्तों से पहुंचा जा सकता है। इस इमारत में प्लेटफॉर्म सीढ़ियाँ हैं जो शहजादियों की पालकी उठाने में आसानी को देखते हुए बनाई गई हैं। सुनते हैं इन सीढ़ियों पर हाथी भी आसानी से चढ़ जाता था। अफसोस, इसकी ऊपरी मंजिल की छत अब गिर चुकी है, फिर भी इसका टूट कर गिरता सौंदर्य ग्रीक अंदाज का है, जो कि अमूमन कम ही दिखाई पड़ता है। इसकी सादगी से भरी अंग्रेजी के टी अक्षर टाइप इमारत की अपनी एक अलग मुगलई गंध है और अपनी एक अलग ही लज्जत भी। कौन आया यूं हौले से यूं झरोखे पर, झांक गया कौन, ये किसकी पाजेब बजी, ये ठहरे हुए कदमों की धमक, ये रेशमी लिबास, हाय किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया यूं देखते हुए, सचमुच कुछ कहते नहीं बनता जब लब खुल न सकें और आवाज हो जाए खामोश, तब क्या कीजिए। बड़ा आसान है जब ऐसे अवाक हालात बन जाएं, तब इंसान को खामोशी से काम लेना चाहिए, क्योंकि जहां आवाज काम नहीं करती वहां खामोशी ही काम आती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दरो दीवार भी मुस्कुराते हैं और ठहरा हुआ मंजर भी, लिल्लाह इस रवानियत के क्या कहने। रानी रूपमती का महल। लफ्ज सुनते साथ ही हमारे ख्वाबों ख्यालों में परम सुंदरी, अपने समय की महान गायिका और जाबाज योद्धा बाज बहादुर की प्रेमिका का चित्र तमाम खूबसूरती के साथ बनने मिटने लगता है। इस भवन को दूर से ही देखने पर पता पड़ जाता है कि ये भवन मूलतः राज्य की सुरक्षा की नजर से बनाया गया होगा, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। सुनते हैं ये किसी संत का विहार था जो बाद में धार्मिक कार्यों के बजाय सैन्य सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर लिया गया, और इसकी वजह निश्चित ही इसकी बनावट रही होगी। निमाड़ के पठार से लगभग 1200 फीट का गहरा ढलाव, सामने से आ रही शत्रु सेना पर कड़ी नजर रखवाने के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। इस इमारत की मूल डिजाइन तुगलक कालीन है, छत की मेहराबें भी अनुपात में बहुत बड़ी और भारी हैं। इनकी चौड़ाई 13 फीट 8 इंच है। पुरातत्वविदों की जानकारी के मुताबिक
पहाड़ी के ऊपर बनी छत के ऊपर भूतल और झरोखे का निर्माण बाद में कराया गया है। मूल रचना के तहत इस महल में कम ऊंचाई वाला परंतु भव्य लंबा चौड़ा हॉल लगभग 87 फीट लंबा और 18 फीट चौड़ा और छत के कोनों पर दो कमरे 15 फीट वर्गाकार नाप के अवश्य रहे होंगे। इस अनुपम महल में दक्षिण दिशा के छोर पर बने कमरे की छोटी छोटी सीढ़ियां ऊपर झरोखों तक पहुंचती हैं, जहां कभी रूपमती अपने प्रीतम संग अटखेलियां किया करती होगी। ये बहती हुई बयार कभी उन दोनों की एक साथ छेड़ी संवेद तान की साक्षी रही होगी और इन झरोखों के हिस्से में एक महान वैभव भी आया है जिसका जिक्र सदियां बार बार करना चाहेंगी। इन झरोखों से ही रानी रूपमती नित्य सुबह अपनी आराध्य देवी नर्मदा मैया के दर्शन कर अपनी दैनदिनी शुरू करती थी। भोर में जब भगवान सूर्य की कच्ची किरणें दूर टेढ़ी मेढ़ी बहती नर्मदा की इस जलधारा पर पड़ती थी तो वो चांदी सोने की मिलीजुली पगडंडी बन जाती थी। इसकी झिलमिलाहट से रानी को भान हो जाता था कि उसको देवी दर्शन मिल गए। ऊपर बने वर्गाकार स्तंभों की डिजाइन से समझ आता है कि ये रानी रूपमती से उम्र में 100 साल बड़े हैं। भवन का मुख्य हॉल दिलावर खान खिलजी या उसके बेटे होशांग शाह के राज्यकाल में बनवाए गए होंगे। और झरोखे या तो महमूद खिलजी या घियासुद्दीन के जमाने में। ये जो छत की चार दीवारी है इसमें उठी दीवारों में बने छोटे छोटे छेद बंदूक की गोली निकलने के लिए बने हैं, जिन्हें शायद बाद में बंद करा दिया गया है। ये आर पार झरोखे, इन्हें बेधती हवा, परम सन्नाटे में यहां आना अपने आप में अनूठा है। क्या हुआ, सैनिकों के बूटों की आवाज सुनाई दी? सुना आपने, ये फुसफुसाहट रानी रूपमती की है। निश्चित ही वो अपने प्रीतम के कान में कुछ कह रही है। बाज बहादुर रूपमती, रूपमती बाज बहादुर, इनकी प्रणय गाथा अपने तमाम खूबसूरत और दर्द भरे मिले जुले पहलुओं के साथ यहां आज भी सन्नाटा बनकर गुनगुना रही है। इस जोड़े ने एक साथ प्रेम की देवी के युगल चरणों पर जो जवा कुसुम चढ़ाया था वो आज भी मुरझाया नहीं है। इसलिए मांडू प्रेम का पर्याय बन गया है, मांडू एक मिथक बन गया है। मांडू का मतलब है रानी रूपमती,
मांडू का मतलब है बाज बहादुर, मांडू का मतलब है प्रेम, प्रेम का मतलब है मांडू, मांडू और केवल मांडू।